जाए वो आकाश है। हम लोग आज एक जो टॉपिक है पॉवर्टी उस पर डिस्कशन, एक ऐसे टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो देने आए हैं। तो सबसे पहले तो गरीबी तो मैं ये बोलना चाहूँ, जैसे आज भारत 140-145 करोड़ देश की जनसंख्या के साथ देश की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद भी अगर हम देखें तो देश की जो गरीबी है उसमें लगभग जनसंख्या में 21% लोग जो हैं वो गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और जो हमारा देश है वो 66वीं रैंक पर आता है, 109 जो देश है उसमें 66वीं रैंक पर हमारा देश आता है। तो जो देश की गरीबी है उससे मतलब ये है कि देखिए पहले के समय में जो भारत था उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन भारत पे जो विदेशी आक्रमण हुए, विदेश जो अंग्रेजों का राज हुआ उसके बाद जो उसकी गरीबी रेखा है या मतलब जो उसकी पॉवर्टी लाइन है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुई है। लोग कंटिन्यू गरीब होते जा रहे हैं और उसमें जाते जा रहे हैं। पहले तो हम देखते थे कि कास्ट सिस्टम है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है गरीबी पर आज जैसे कि अर्बन एरिया जो है शहरी क्षेत्रों में लगभग 5% लोग हैं वो गरीबी रेखा में आते हैं, रूरल में जो है वो करीबन 7.2% जो है वो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो गरीबी रेखा को मैं ऐसे डिफाइन किया गया है कि लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए, रहने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए साधन नहीं है, आने जाने के लिए, पढ़ने के लिए, हेल्थ के लिए साधन नहीं है, तो वो सब चीज़ें गरीबी में आती है। गरीबी की जो एक पूरी साइकिल होती है वो हेल्थ से शुरू होती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं इनकम के लोगों की इनकम कम है तो उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो वो अपने आप को एजुकेट नहीं कर पा रहे हैं। उस अपने आप को एक जो अच्छा वर्ग है मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मिडिल क्लास से जो और ऊपर के लोग हैं उस अवस्था में नहीं ला पा रहे हैं। तो ये सब पूरी एक साइकिल चलती है। हम ये कह सकते हैं 2-3 प्रकार की गरीबी जो हम भी मान सकते हैं। एक तो लोगों की मानसिक गरीबी होती है कि लोग ये सोचते हैं कि हम हमारी पैदाइश गरीब परिवार में हुई है तो हम रहेंगे ही गरीब, हम कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते। एक वो होते हैं जो बहुत अच्छे वर्ग से होते हैं उसके बाद भी वो गरीबी में आ जाते हैं, उनके कुछ शौक वगैरह जिस भी चीज़ के चक्कर में ये सब हो सकते हैं गरीबी के कारण। एक होती है जो गरीबी जो उनको दिली ही होती है बाजार में, ठीक है। उसके बाद कॉजेज हम देख सकते हैं गरीबी के। तो सबसे पहले असमानता, असमानता एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। लोग जो जैसे पहले कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट सिस्टम में लोग पहले ऐसा होता था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो से बागी थे, नीचे लोगों को गरीबी रेखा में डाल दिया जाता था। आज लोग बहुत से कारणों से गरीब है, जैसे कि हम क्लाइमेटिकल जो फैक्टर्स हैं उनकी तरफ देख सकते हैं कि क्लाइमेटिकल फैक्टर में आ सकते हैं अचानक आपदा आ जाना, बाढ़ आ जाना, या बहुत से और भी कारण हैं। डेमोक्रेटिक में आ सकते हैं कि देश की जनसंख्या जो आज लगातार बढ़ती जा रही है, पहले के समय में कम थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरी तरीके से प्रभाव डालती है, जिससे देश बहुत बड़ा वर्ग जो है और युवा वर्ग जो है देश से गरीब होता जा रहा है। उसके बाद रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास कम है, जिसके कारण हमें गरीब का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से और भी कारक हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल सेक्टर्स हैं बहुत सारे जो हमें गरीबी की तरफ लेकर जाते हैं, पॉलिटिकल सेक्टर्स हैं, बहुत से रिलीजियस पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं क्योंकि एक तरीके से गरीब है। वोट बैंक है, जिधर से वोट मिल रहा है वो क्षेत्र को बढ़ा दो, जिधर से नहीं मिल रहा है उस क्षेत्र को घटा दो। बहुत से और भी कारण हो सकते हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत सी जगह पर पड़ता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभाव पड़ता है, हमारे देश की महिलाओं पर, हमारे देश के बालकों और युवाओं पर प्रभाव पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसके आगे का योजनाएं जो हैं वो भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं जिससे गरीबी को हम खत्म कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना जिसके अंदर 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दिया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके अंदर सरकार लोगों को घर देती है। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया जाता है जिसमें 84 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है और या तो फिर उसके अंदर कम रेट पर आपको खाना दिया जाता है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना है जिसके अंदर अन्न प्रोवाइड करा जाता है
इसके अलावा सरकार के द्वारा जनधन योजना लेकर आई गई है, जिसके अंदर जितनी भी हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन है उनको बैंक अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए। इसके अलावा जैम क्रेडिट मॉडल एक हमारे यहाँ पे आता है, सरकार के द्वारा लाया गया, जिसके अंदर जनधन आधार और मोबाइल की फैसिलिटी सभी को प्रोवाइड करी जाए। इसके अलावा रोजगार योजनाएं, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके अंदर सरकार जो है लोगों को 300 तक रुपए की एक महीने की गारंटी प्रोवाइड कर रही है और उसके अंदर वो उनको रोजगार देती है। उज्ज्वला योजना, जिसके अंदर सरकार खाने के लिए हमको गैस प्रोवाइड करती है और अनेकों योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है भारत के अंदर। इसके अलावा लोगों की तरफ से भी कुछ एफर्ट्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को जागरूक करें कि आप लोगों की मदद करें। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है उनके द्वारा लाया गया 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसके अंदर पहला जो गोल है वो है नो पावर्टी और उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार कई तरीके की योजनाएं लाई है। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि पावर्टी एक मानसिकता भी हो सकती है और इसको खत्म करने के लिए हमें ही अपना योगदान देना पड़ेगा, इसके सामने कोई नहीं आ सकता। और हमारे भारतीय APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, इफ यू बोर्न पुअर इट इज योर मिस्टेक, इफ यू डाई इट इज योर मिस्टेक। थैंक यू। कई हमारे क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच पाना मुश्किल है, तो वहाँ पे भी स्वास्थ्य केंद्रों का होना बहुत जरूरी है ताकि समय पर इलाज मिल सके महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव। हमारे देश में आज भी कई क्षेत्र और कल गांव ऐसे जहाँ पे बाल विवाह प्रचलित है, इससे कम उम्र में ही महिलाओं की शादी करवा दी जाती है। शिक्षा मध्य प्रदेश लगभग 1.4 मिलियन बच्चे 5 साल से कम उम्र में मर जाते हैं क्योंकि वो अंडर न्यूट्रिशन रहते हैं और कुपोषित रहते हैं। खराब शिक्षा, लगभग 25% से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और स्कूल अगर जाते भी हैं तो स्कूल देखिए 8th में ड्रॉप रेट इतना ज्यादा है बहुत ज्यादा है और फिर वहाँ पे उच्च शिक्षा केंद्रों का ना होना भी कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा डालता है। समाज में प्राप्त गरीबी को हम निम्न प्रकार से उसका निवारण कर सकते हैं, पूरी तरीके से तो नहीं खत्म कर सकते हैं परंतु उसके लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे आर्थिक विकास में तेजी लाना, कृषि में आधुनिकीकरण लाना जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी, आय में असमानता को कम करना और धन के संकेंद्रण को रोकना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, भूमि सुधार जैसे योजना को विकसित करना, रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करना, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और धर्म आधारित राजनीति को रोकना जो हमारे समाज में गरीबी के विकास में अवरुद्ध बाधित करता है। सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ प्रयास, जैसे PDS सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबों को न्यूनतम दामों पर अनाज वितरण, PM आवास योजना, गरीबों को आवास योजना और PM उज्ज्वला योजना, निःशुल्क मतलब कम दामों पर गैस उपलब्ध करवाना जिससे महिलाओं को चूल्हे पर खाना ना बना पड़े और आयुष्मान योजना जिससे 5 लाख तक निःशुल्क इलाज हो सकता है। अतः हम अंत में कह सकते हैं कि गरीबी किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है। साथ ही प्रभावी उपायों के क्रियान्वयन द्वारा हम गरीबी को कम कर सकते हैं और इसका समाधान किया जा सकता है। मेरा नाम संदीप है और सहयोगिता और हम लोग टॉपिक को डिस्क्राइब करने का टास्क मिला था और उसको हम सब लोगों के साथ मिलकर किया है, जिसमें बोलने का अवसर हम दोनों को मिला है। तो हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है पॉवर्टी, गरीबी और भारत में गरीबी की अवस्था क्या है। हम इस टॉपिक पर फ्रेमवर्क में तैयार करेंगे, जैसे गरीबी क्या है, गरीबी का मुख्य कारण क्या है, कितने प्रकार की गरीबी होती है और उसके प्रभाव और समाधान के ऊपर हम चीजों में बात करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कि गरीबी क्या है। पॉवर्टी एक आप बोल सकते हैं बेसिकली एक स्टेट है, एक अवस्था है जिसको अलग अलग नजरियों से, अलग अलग क्राइटेरिया से जज किया जाता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनके पास बेसिक नीड्स जो बेसिक फुलफिलमेंट की जरूरतें हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर उनको नहीं मिल पा रहा है तो गरीबी के अंदर है, ऐसी पॉपुलेशन गरीबी के अंदर होती है। अब गरीबी को हमने दो से तीन प्रकार से बांटा है। फॉर एग्जाम्पल पहला है एब्सोल्यूट गरीबी, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जिसमें कम्प्लीटली जो पांच क्राइटेरिया हमने रखे हेल्थ, एजुकेशन, फूड, रेसिडेंस और बेसिक फैसिलिटी, अगर ये पांचों चीजें नहीं मिल रही है तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कह लेंगे। अगर इसमें से कुछ भी चीजें थोड़ी बहुत पॉसिबल हो गई थी, फॉर एग्जाम्पल आवास मिल पाएंगे, एजुकेशन नहीं मिल पाएंगे, हेल्थ मिल पाए, तो अगर अलग अलग एस्पेक्ट में चीजें नहीं मिल पा रही है कुछ फुलफिल हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पॉवर्टी उसको बोलते हैं, ठीक, जिसमें अलग अलग आयामों में उसको गरीबी के अंदर रखा गया है। एक लास्ट वन है जिसको रिलेटिव पॉवर्टी कहा गया है। जैसे हम देखते हैं कि ये शहर गरीब है या ये प्रदेश गरीब है, या हम आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, मतलब कंपैरिजन के आधार पर देखा जाता है तो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाता है। अब इसके बाद हम एक बात करते हैं कि किस तरीके से हम नापते हैं कि गरीबी क्या है और गरीबी कितने तरीके से नापी जाती है। तो आज़ादी के पहले जनरली गरीबी को मोरारजी देसाई के द्वारा और सॉरी दादाभाई नौरोजी के द्वारा और भी बहुत सारे लोगों के द्वारा एक क्राइटेरिया रखा गया कि पर कैपिटा इनकम अगर प्रति व्यक्ति आए अगर 20 रुपये है तो, और इनका खर्च अगर 16 रुपये से 35 रुपये के बीच में है तो ये गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाया गया, जैसे दांडेकर समिति हम देखते हैं और सुरेश तेंदुलकर समिति हम देखते हैं, जिसमें कैलोरी के आधार पर इसको बांटा गया है कि एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी कंजप्शन करना उनकी गरीबी की एक लिमिट रखी है। इसी तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया जैसे प्लानिंग कमीशन बना, जैसे कि एनएसएस को बना, इन सब के आधार पर हम पॉवर्टी के क्राइटेरिया को अलग अलग मेजर करें। वर्ल्ड बैंक के आधार पर देश में गरीबी इसलिए ऐसे डिसाइड की जाती है कि अगर प्रति व्यक्ति आए किसी देश की पर डे के हिसाब से $2.15 अगर वो गरीब नहीं है, और अगर 1.9 के आसपास है तो गरीब के अंदर आता है, मतलब 2.5 से कम है तो गरीबी के अंदर आता है। ये वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया सभी देशों के। और इसी तरीके से भारत में नीति आयोग के द्वारा एक क्राइटेरिया रिलीज किया जाता है, एग्जैक्ट क्राइटेरिया अभी हम लोग नहीं ढूंढ पाए, बट वो एक इंडेक्स सर्वर रिलीज होता है जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर रहता है। अब हम देखते हैं कि पॉवर्टी के बारे में कारण भारत के अंदर मेनली कारण क्या क्या है। तो जो मेजर रीजन हमने देखे हैं वो मेजर रीजन में सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि समाज में जो एक इनइक्वलिटी की बात होती है, इनइक्वलिटी एक सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। इनइक्वलिटी बहुत सारे आधार पर होती है, जिसमें लोग गरीब या गरीबी की तरफ बढ़ते भी जाते हैं या फिर अगर गरीबी में है तो उसी तरफ में बने हुए रहते हैं। जैसे कि सोशल इनइक्वलिटी होती है, अब इसको मैं और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन हम सिर्फ एक डायमेंशन से हम थोड़ा सा समझ चाहेंगे। सोशल में सारी इनइक्वलिटीज आ सकती है, जैसे जो हमने देखा जेंडर इनइक्वलिटी एक हो रही है, उसके बाद तक इकोनॉमिक हम बात करें, इकोनॉमिक में जो वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इनकम प्रॉपर नहीं है, मतलब पीपल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक में आ जाती हैं। उसके बाद पॉलिटिकल में हम देखते हैं कि पॉलिटिकली हमको वुमेंस को पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, आम आदमी को उतना पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है, तो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी का पार्ट है। इसके बाद साथ ही साथ हम देखते हैं दो तीन और मेजर रीजन है, जैसे क्लाइमेट के रीजन है, उसमें क्या होता है कि डेमोग्राफिक एरिया है, लैंड की वजह से कहीं क्लाइमेट की वजह से जैसे लैमाइन आ गया, फ्लड आ गया, एक्सेसिव एनवायरमेंट कंडीशन हो गई, ये सब जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है वो डायरेक्ट पीपल के ऊपर, और वो क्या हो जाता है गरीबी के अंदर ट्रैप हो जाता है, गरीबी के अंदर चलता रहता है। तो ये सारे हमने देखे, और इसके बाद जो इफेक्ट है और सॉल्यूशन, ये सारी चीजें हमारे सारे भारत में देखा जाता है कि स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लोगों की स्थिति गिरती जाती है स्वास्थ्य के कारण, और मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है, और जनता तो बढ़ ही रही है। हम देख रहे हैं भारत में ऐसा नहीं कि भारत में पहले से ऐसे की ज्यादा गरीबी थी, गरीबी की स्थिति मुगल काल से ज्यादा हुई, और उसके बाद फिर आपको हम देखा कि ब्रिटिश भी बहुत ज्यादा नीचे चले गए, किंतु स्वतंत्रता के बाद इसको उभारने के बहुत सारे प्रयास किए गए देखा गया है। और उनको ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं समूहों के अंतर्गत,
और इसमें बच्चों को अगर देखें तो मिड डे मील को किया जाता है फीड के लिए, कि ऐसा ना हो कि उनके न्यूट्रिशन की कमी रह जाए। यूनिफॉर्म बुक्स के भी सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और आंगनबाड़ी में भी बच्चों के स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग में उनको फूड नहीं मिल पाता है कि उनको फूड बुक्स या जो भी शिक्षा का भाव होता है, तो आंगनबाड़ी अच्छा वो होता है प्लेटफॉर्म की जहाँ से बच्चों को चीजें इम्प्रूव होती है जो भी है। और वो जो अंत्योदय प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अंत्योदय योजना, आवास योजनाएं, एग्रीकल्चर के लिए ये BPL और APL राज्य में सारी।